हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सुमित और आज मैंने ये मंगाया था K9 का वायरलेस मैक। इसकी आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और इसकी जितनी भी क्वालिटीज़ है, जो जो भी इसके अंदर हमें मिलेगा, वो सब अभी हम इसको अनबॉक्स करके देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसको अभी खोलने जा रहे हैं। तो इसके अंदर अभी सबसे पहले हमें मिला है ये रिसीवर, और जो हमें अगर आपको ये आईफोन में कनेक्ट करना है तो उसके लिए ये एक पोर्ट आपको मिला है। इसमें आईफोन में ये सपोर्ट कर जाएगा। इसके अलावा ये मैंने दो माइक मंगाए थे, तो ये दो माइक एक ही रिसीवर में कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि मेरा फ़ोन जो है वो टाइप सी केबल का सपोर्ट करता है। तो टाइप सी केबल का ये है रिसीवर, इसको हम यूज़ करेंगे। और अगर आपको इसको आईफोन में यूज़ करना है तो आईफोन के लिए इसको इस तरीके से पीछे लगा करके फिर आप इस माइक का यूज कर सकते हैं। और ये माइक आप देख सकते हैं, दो माइक मिले हैं और दोनों ही माइक अभी देखने में तो बहुत शानदार लग रहे हैं। इसका रिव्यू तो यूज़ करने के बाद ही आपको बता पाऊँगा कि ये कैसे हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं, ये तो नॉइस रिड्यूसर है और ये चार्जिंग का पॉइंट है। आप इसको यूज़ करने से पहले आपको इसको चार्ज करना पड़ेगा। इसमें भी है, इस दूसरे वाले माइक में भी है, और ये रिसीवर है, रिसीवर को भी आपको चार्ज करना पड़ेगा। इसके अलावा इसको चार्ज करने के लिए हमें इस पर मिला है एक डेटा केबल टाइप सी की। इसको हमने पहले चार्ज करना है इसी से। जो इंस्ट्रक्शन हमें इसके अंदर एक मिला था उसमें भी लिखा था कि इसको यूज करने से पहले आप इसको चार्ज करें। तो गाइज़, ये जो माइक मिले हैं तो इसको पीछे से हम ऑन करेंगे, और इसमें आप देख सकते हैं ये ग्रीन लाइट जब आ जाएगी तो इसका मतलब ये ऑन हो गया है। इसके बाद ये आवाज़ के लिए बिल्कुल तैयार है, आपकी आवाज़ रिकॉर्डिंग के लिए। तो ये दो लोगों की बात को रिकॉर्डिंग करने के लिए ये माइक है, और इसका यूज़ आप पॉडकास्टिंग में कर सकते हैं, यूट्यूब के लिए लाइव स्ट्रीमिंग में कर सकते हैं, आप ब्लॉगिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंटरव्यूज़ आप ले सकते हैं इससे, क्योंकि ये बेस्ट माइक है और इसकी रेंज जो है वो 20 से 25 मीटर तक है, और इसलिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। और गाइस, ये आपको मिल जाएगा बेस्ट अंडर 1000 में। जो आपको माइक की अगर ज़रूरत है तो ये 1000 रुपये के रेंज में, ऊपर नीचे हो सकता है। मैंने ये मीशो से मंगाया था, मुझे ये 800-900 का मिला है। और अगर आप इसको अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं तो थोड़ा सा ऊपर नीचे प्राइस हो सकता है, लेकिन ठीक है इसका प्राइस। और क्योंकि अब मैं अगर इसका दोनों यूज़ करूँगा, दोनों माइक, तो दोनों में इस तरीके से ग्रीन लाइट आ जाएगी और फिर हम उसको यूज़ करेंगे। तो इसका यूज़ करके आपको दिखाते हैं। अभी तक जो आप साउंड सुन रहे होंगे वो मेरे पे JBL का माइक है, उस माइक से सुन रहे हैं, और अब जो मैं आपको साउंड सुनाऊंगा इसके बाद वो इस माइक का साउंड होगा। तो फ्रेंड्स, ये अभी हमने जो इसका रिसीवर है वो अपने फ़ोन में कनेक्ट कर दिया है, और इस माइक की टेस्टिंग हम करने जा रहे हैं। अभी मैंने माइक थोड़ा पास में रखा है तो आप इसकी वॉइस क्वालिटी सुन सकते हैं। अभी वॉइस क्वालिटी कैसी है, थोड़ा सा इसको नीचे लेके जाएंगे तो अभी कुछ इस तरीके की होगी, और नीचे लेके जाएंगे तो इस तरीके से। ये वैसे 360 डिग्री रोटेट माइक है, हर जगह से आपकी आवाज़ कैप्चर कर लेगा। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, आप इंटरव्यू में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने दोनों माइक, आप देख सकते हैं ये ग्रीन लाइट यहाँ पर आ रही होगी, तो ग्रीन लाइट दोनों में आ रही है। मैंने दोनों ही माइक अभी फ़ोन से कनेक्ट कर दिए हैं, तो इसकी वॉइस कुछ ऐसी होगी। तो मेरे साथ अभी हिमांशु भी है, इनके पास भी मैंने एक माइक दिया है, इसमें भी ग्रीन लाइट ये ऑन है, ये ऑन है, और सुनते हैं इसकी माइक क्वालिटी कैसी है। तो भैया, अभी मैं टेस्टिंग करने जा रहा हूँ K9 वायरलेस माइक की। अच्छा, तो क्या बोलेंगे आप, कुछ आप बुलवाओगे तो बोल देंगे। तो मैं जो बुलवाऊंगा वो ये बोल देंगे। तो इंटरव्यू में जो भी है आप क्वेश्चन करेंगे सामने वाले से, तो वही जैसे मैं भी भैया को पूछ रहा हूँ, आप कहाँ से हैं भैया? मैं भैया उत्तरकाशी से हूँ। अब थोड़ा सा माइक आप ऊपर नीचे अगर करेंगे और अच्छा। तब बोलेंगे। अच्छा, इनके मुंह से अभी निकल गया था तो उसमें हमारा एक कॉमेडी बन गई, तो वो चल रहा है। तो इस माइक की क्वालिटी कुछ ऐसी है, दोनों जगह से आपने आवाज़ सुन ली होगी, एक मेरे पास है एक भैया के पास है। तो भैया थैंक यू थोड़ा बहुत कैमरे पे आने के लिए। यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, अब इसको बंद कर देते हैं। तो एक माइक मैंने बंद कर लिया, तो इस तरीके से आपने अभी वॉइस क्वालिटी इसकी सुन ली होगी। आपको भी अगर अंडर 1000 में इस तरीके का माइक चाहिए तो आप ले सकते हैं।
मैंने तो ये ऑनलाइन ले लिया और कुछ दिनों के बाद इसका मुझे जब ज़्यादा यूज़ कर लूँगा तो इसको अच्छे से आपको बता सकता हूँ कि मतलब ये माइक सही है या नहीं है। तो फिलहाल इसमें इतना ही, इस वीडियो को यहीं पे स्किप करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ये रिव्यू आपके काम का रहा हो। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, और अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही और नई वीडियो के साथ।